खुश हैं आप योगी सरकार से? नहीं, हमें क्या लाभ हो रहा सरकार से, कुछ भी लाभ ना हो रहा। क्या नाम है आपका? अतर सिंह। अतर सिंह, 2022 में क्या लग रहा है, तख्ता पलट होगा, बीजेपी फिर से आएगी, अखिलेश आएंगे, मायावती आएगी, कौन आएगा सर? 2000 रुपए किसानों को मिलने हैं, खाने को गल्ला मिल लिया, और क्या हो रहा, कुछ भी नहीं। जिसे सरकार बनानी है एक धोरे से सिकरा कर्जा माफ कर दे और वोट ले ले। हॉल क्या है गाँव का ये बताओ? हॉल क्या है, अब ये गल्ला आता है 30 किलो में 20 किलो दे डीलर। अच्छा, दाल आती है खुद खा जाए, चीनी आ जाए सब खा जाए, तेल आ जाए सब खा जाए। अच्छा, बताओ रिफाइंड की थैली आ रही है सब सब खा जाए। अच्छा, गांव में नहीं मिल पा रहा है? गांव में किसे मिल रहा, किसी भी नहीं मिल रहा। सही होगी सरकार से कितना खुश है आप? हैं, अरे का खुश है, कुछ भी खुश ना है। तो बिजली में पट कर दिया, तब हमें एक घर घर कनेक्शन लगवा दिए और इनका बिल तलक करा भुगत रहा, बिल नहीं जमा करा, भुगतान है कहीं कमाने ना दमाने ना, परेशान है आदमी, घर घर परेशानी है। अब मेरा घर चल के देखो, फूटा पड़ा सिगरा घर, रहने के लिए घर ना है मेरा, बताओ इतना आवास आ रहे हैं या कोई भी चीज है, कौन सा आवास आ रहा है सब। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। मीडिया वॉइस की टीम लगातार 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है और कोशिश कर रहा है कि जनता का मूड जाने, 2022 में किसकी सरकार आ सकती है, यूपी की जनता के दिल में क्या है, किसकी सरकार यूपी की जनता बनाना चाहती है, किसे इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है, योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में किस तरीके का विकास हुआ है। हम गाँव में, शहर में जाकर जनता से जान रहे हैं क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं, क्या क्या विकास हुए हैं, किन मुद्दों को याद करके इस बार वोट डाला जाएगा। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल में हैं और गांव लगता है बराई। समाजवादी पार्टी के यहां पर लोग हैं, बसपा के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, सारी पार्टियों के यहां पर लोग हैं। उन्हीं से जानेंगे सबसे कि इस बार 2022 में यहां की जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार बनाना चाहती है। सर क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। धर्म सिंह, 2022 में तख्ता पलट होने जा रहा है भाजपा का या दोबारा से आ रही है? भाजपा का तख्ता पलट होगा, भाजपा ने महंगाई इतनी कर रखी है कि मजदूरी करने के बाद भी पेट नहीं भर रहा हमारा। अच्छा, हाँ, महंगाई को कहाँ डाले सर, महंगाई ज्यादा है, ज्यादा है महंगाई। अच्छा, 2022 में किसकी आ रही है फिर सरकार? देखो सरकार किसी की, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं, कहने का मकसद ये, मजदूर पार्टी है, मजदूर को लाभ होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। और मजदूर इतना बेकार हुआ पड़ा है कि बहुत बेकार हुआ पड़ा है, देखो कोई भी काम लेके चल रहा है भूखा मर रहा है, भूखा मर रहा है मजदूर। महंगाई इतनी बना दी, गैस है 850 का सिलेंडर उठा रहा है आदमी, कहाँ से उठा रहे, पैसा नहीं इतना। भाजपा तो ये कहकर आई थी गरीबों और मजदूरों की पार्टी है और गरीब और मजदूर पिस रहा है। भाजपा ने जुमला खेला, कुछ नहीं करा, जुमला खेला भाजपा ने, जुमला खेला। हाँ, 2022 में और कोई सी पार्टी आएगी फिर? देखो पार्टी कौन सी, कोई भी आवे, पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपने यानी सुविधा से मतलब, पार्टी कोई सी मिल जाए हमें, पार्टी में दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है अपनी। अब ये महंगाई चल रही है, महंगाई में क्या करें हम, बच्चे हमारे भूखे रह रहे हैं, टाइम से खाना नहीं मिल रहा, पढ़ाई किस, पढ़ाई सब झोड़ों में रहला दी बच्चों की, पढ़ाई नहीं हो रही बच्चों की। आओ बताए। हाँ, 2 साल स्कूल को हो गए, बच्चे घर पढ़े रहे हैं, बच्चों के और पढ़ाई बंद है, लोग भाग जो और पढ़ रहे हैं बच्चे। ताओ वो तो महामारी की वजह से बंद है स्कूल अभी। महामारी कब तक रहेगी, कब बच्चों को महामारी हो रही है, बच्चे तो यहाँ परेशान हो रहे हैं और जक्सर लगा के दानों के चक्कर में जक्सर लगा रहे हैं और 200 रुपया किलो तेल दे रहे हैं। हमारे तो ट्रांसफार्म भूखा पड़ा, तो एक महीना ट्रांसफार्म तक करो दे रहे और फसल सूखी चढ़ी है। हाँ, क्या करें, किसके घर में दस है, कैसी भाजपा कैसी वो, किसान खुश नहीं है ना, किसान खुश ना, दुखी है, किसानों के चक्कर में वो फंदा डाल रखा है, किसान परेशान है। हाँ, किसान क्या चाह रहा है इस बार, किसान ये चाह रहा है देखो बिजली फ्री हो, बिजली के संग में कितना हक वो कर रखा है और तमाम सिलेंडर है ये कितने के, पहले 400 का दे रहे हैं, अब 900 का दे रहे हैं, कुछ तरीका, 200 रुपया किलो तेल दे रहे हैं। तो किसकी सरकार ला रहे हो इस बार? जो मौके पे आ जा सही हो, क्या कौन सी, बहुजन की, बहुजन की। हाँ, बहुजन तो दिख भी नहीं रही जमीन पर इस वक्त, आगे कहीं ना कहीं जरूरी आनी है, दुखा हुआ डाला खुल जाए एकदम। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मित्रपाल। ये बताइए योगी सरकार से क्या क्या फायदे मिले आपको अब तक? हमें तो वो 2000 रुपया मिले गए, वो भी ना मिले, आज तक ना मिले हैं, और वो नरेगा के रुपया घूस ले वो भी ना मिले हैं, ऐसे कह दियो जा कह रही हैं। हमें ना मिला कोई पैसा भी ना, मैं ना बोल रहा इतना ही बता रहा, पढ़ने के 2000 रुपया वो भी ना मिले, हमारे पढ़ाई भी के पैसा भी ना मिले हमें,
अच्छा प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गल्ला तो मिल रहा है आपको? हाँ गल्ला तो मिला, आज हम भी आज जंक्शन के चक्कर में ना गए, गल्ला का काम है। खाली चावल ही मिलते हैं, गेहूँ मिलते हैं, कुछ ना मिल जाए। अरे दालें होवे, तेल होवे, हैं कुछ तो होवे, खाला गल्ले फाकने ऐसे मुंह में के नहीं है। वो तो खूब जोर शोर से कह रहे हैं, बोले भाजपा गल्ला दे रही है। गल्ला मिल गया है, गल्ला कौन मिल गया, गल्ला मिल गया, खाली गेहूँ गेहूँ सर मिल गया है। महंगाई ज्यादा है, महंगाई कम चाहिए हमें, गल्ले की जरूरत ना है। जब महंगाई कम होगी तो हम गल्ला तो खुद ले लेंगे, जब हमारे पास पैसा ही ना होगा तो हम गल्ला कहाँ से खरीद लेंगे, पैसे से बेकार करते हैं हम। गल्ला नहीं चाहिए, महंगाई कम चाहिए, महंगाई कम चाहिए, महंगाई कम चाहिए। हाँ क्या नाम है? सही बात है, मतलब महंगाई बहुत महंगाई हो रही है। क्या नाम है आपका? अथर सिंह। अथर सिंह, 2022 में क्या लग रहा है, तख्ता पलट होगा, बीजेपी फिर से आएगी, अखिलेश आएंगे, मायावती आएगी, कौन आएगा? सरकार बढ़िया सी सही सी मतलब ये चुनी जाएगी जो फायदा पहुंचाए पब्लिक को। कौन फायदा पहुंचाएगी? बहुजन पार्टी पहुंचा देगी फायदा। बहुजन पार्टी? हाँ बहुजन पार्टी तो कुछ काम ही नहीं कर रही, दिख भी नहीं रही है सड़कों पर, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश आने वाले दौर में करेगी काम। बथेरा झटका लग गया है बसपा को। हाँ लोग कह रहे हैं बोले कि भाजपा ने जितना विकास कर दिया वो किसी सरकार ने नहीं। अरे ना, बहुजन ने भी काफी विकास करा है, बहुजन ने भी काफी विकास करा है। हाँ काम किया, आएगी आएगी। हाँ क्या नाम है आपका? मुस्तकीम। मुस्तकीम, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार आने जा रही है? क्या पता नहीं अभी। अच्छा योगी सरकार से कितना खुश है, दोबारा से यही आएगी या और कोई सी आएगी? मालूम ना, हमें तो इससे भी ना फायदा ना दूसरी से फायदा, हमें तो किसी से फायदा ना, किसी से फायदा नहीं है। योगी सरकार से फायदा नहीं हुआ? फायदा कहेगा, मजदूरी कर रहे हैं वही, और क्या कर रहे हैं, घर टूटा फूटा पड़ा है, ना कुछ मिल रहा है ऐसा। प्रधानमंत्री मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए अब आवाज भी दे रही है, पैसे भी दे रही है। किसानों के लिए क्या है, गेहूँ धान है, पट हो गए, अब क्या मिलेगा इनमें? कुछ भी नहीं मिलेगा, गल गए वो बारिश से। तो 2000 रुपये भी नहीं मिल रहे ना? क्या नाम है? रूपचंद। ये बताइए किसकी सरकार 2022 में आ रही है? 2022 में माया जी की सरकार बनाना चाह रहे हैं जी। उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि गरीबों के लिए उन्होंने क्वार्टर बनवाए, कॉलोनियाँ दी, विकास कराया, इस सरकार ने कुछ भी नहीं है। चली क्यों गई जब इतना विकास कराया? ये तो मतलब चली गई, ये तो चली जाती आती जाती इनकी भी चली जाएगी। इतना काम कराया था तो अलविदा क्यों कह दी आप लोगों को? अब इसमें कोई मतलब गांव में किसी में कोई विकास है, किसी का मतलब घर मकान किसी का बना हुआ है? कुछ भी नहीं। 2000 रुपए किसानों को मिल रहे हैं, खाने को गल्ला मिल रहा, और क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी ताकत दिखा रही है, साइकिल यात्रा भी करी थी, महंगाई को लेकर वो कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। मायावती का 200 रुपए किलो तेल बिक रहा है, उसमें क्या कहें, 70 रुपए किलो तेल बिक रहा था, किसानों को मजदूरों को मजा आ रहा था, खूब खा रहे थे। महंगाई है इसमें, दवा दम महंगाई है। मार्केट में चले जाओ, छक्के छूट जाएंगे मजदूर आदमी के, गरीब आदमी के। अच्छा 300 रुपये कमा कर ला रिया, कुछ अगर 200 दिलाने लगा तो खेल खत्म, वही दिया। पीछे ताऊ खड़े हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल सिंह है। 2022 में बीजेपी आ रही है, बीएसपी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, कौन आ रहा है इस बार? भाई हमें तो क्या हुआ, किसकी किसकी सरकार आ गई? आपका क्या मन है? मेरा मन तो वो है जिसमें पब्लिक खुशी रहेगी, वही जीतेगा। क्या माहौल क्या है गांव का ये बताइए? माहौल क्या है, अब ये गल्ला आता है 30 किलो में 20 किलो दे डीलर। अच्छा दाल आती है खुद खा जाए, चीनी आ जाए सब खा जाए, तेल आ जाए सब खा जाए। अच्छा। बताओ रिफाइंड की थैलियाँ आ रही हैं, सब खा जाए। अच्छा। गांव में नहीं मिल पा रहा है? गाँव में किसे मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। 30 किलो में 20 किलो पैसे दिए मैं तो क्या मिल रहा होती है? और जो काशगार पे अगर 10 कुंटल नाज भी है तो उसकी तो लागत भी वापस हो गई ना आ रही। तो मेरी बात सुनो, पब्लिक क्या फ़ायदा है, ये लाइट चल रही है, बहुत सौ से बिल जमाना हो रहे, किसी का 700 रुपया महीना आ रहा, किसी का 1500 रुपया महीना आ रहा। ऐसे दावे वादे करके आ रही है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कि हम बिजली फ्री कर देंगे और ये कर देंगे, जिसे सरकार बनानी है एक धोरे से सिकरा कर्जा माफ कर दे और वोट ले ले। अच्छा है नहीं अच्छा? कौन सी पार्टी कर सकती है ऐसा? हैं पार्टी तो कोई सी भी कर सकती है, लेकिन पहले कर देना तभी तो उसे वोट मिलेगा। हाँ आइए। सही है मोदी की सरकार। क्या नाम है आपका? मोदी बलरामन। योगी सरकार से कितना खुश है? मोदी सरकार से इतना खुश है साहब, काम तो खराब है ही, काम इतना खराब है और साल में तो कमा लेकर आए, अब कैसे घर से दे दिए। हाँ ताओ नाम बता दो। योगी सरकार से कितना खुश है?
अरे का खुश है, कुछ भी खुश ना है। एक तो बिजली में पट कर दिया, तब हम एक घर घर कनेक्शन लगवा दिए और इनका बिल तलक करना भुगत रहा। अच्छा, बिल नहीं जमा करा भुगतान में हर बार तो लॉकडाउन लग रहा है, कहीं कमाने ना दमाने ना, परेशान है आदमी, घर घर परेशानी है। आप बताइए। अरे हमें तो भैया बत्ती का बिल माफ करो। अच्छा, घर में एक नौकर पैसा रखो। अच्छा। हम तो खुश रहेंगे। ऐसे कौन सी सरकार है जो आपके घर में नौकर रखती है? अरे भैया हम कह रहे हैं सरकार कोई सी भी क्यों ना हो। अच्छा। हमें सब सरकार सब बराबर हैं। अच्छा। हमारी कोई सरकार दुश्मन ना है। अच्छा। लेकिन हम मोदी से कह रहे हैं कि तुम बहुत दिनों से ख्वाब देख रहे हो, हमारे तो ख्वाब पूरे करो। अच्छा। बत्ती का बिल तुम घटाओ, इसे माफ करो, हैं? घर में एक बच्चे को नौकरी दो तो आपकी भाभा होगी, बड़े बूढ़े आदमी हो, और थोड़ी है कोई। दावे वादे तो बहुत करे थे, साल में 2 करोड़ रोजगार। अब बहुत करे, 15-15 लाख का वादा करा, लेकिन कुछ तो करो। कितने परसेंट खरी उतर रही है अब तक भाजपा सरकार? अरे हमें तो सभी सही दिखाई दे रही है भाई। मैं तो 2000 रुपये दे रहा हूँ, कोई पूर्ति पर रही है, चुटपुट में उठ जाऊंगा। ये 2000 रुपये दे रहे हैं, सही है दे रहे हैं, माना है कि दे रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत पब्लिक कितनी परेशान है ये देख रहे हैं पब्लिक को। हर चीज पे महंगाई, मतलब बत्ती का बिल है, मीटर दुगना दुगना बिल निकाल रहे हैं, ये जांच करने भेज रहे हैं। बेचारे गरीब में हम अनपढ़ हैं, अंगूठा छापे, हमें क्या पता मीटर कैसे निकाल लिया है, हमसे बिल नहीं भुगत पा रहा तो हमें पता है कि क्या नाम है, बिल निकल रहा है या क्या चीज़ निकल रहा है। ये लोग आके हमारे मीटर को सही करें तभी तो इन्हें कुछ वो होगी। अब गैस सिलेंडर है, जैसे 2000 में पूर्ति हो जाएगी, 800-900 रुपये का वो कर दिया गैस सिलेंडर, तो जा तो पब्लिक से रहा, गरीबों को क्या सुविधा है इसमें, कोई सुविधा नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पब्लिक पे कोई असर नहीं जा रहा। वैसे इस महंगाई से जनता नाराज है, आप भी नाखुश है, नाराज है ना, तो इसका असर दिखेगा भाजपा सरकार को चुनाव में या नहीं दिखेगा? दिखेगा, जरूर दिखेगा, जब यानी जब महंगाई कर रखी है तो जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा। आप मेरा घर चल के देखो, फूटा पड़ा है घर, रहने के लिए घर ना है मेरा, बताओ इतना आवास आ रहे हैं या कोई भी चीज है, कौन सा आवास आ रहा है, सब खत्म कर दे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम। सियाराम जी, खुश हैं आप योगी सरकार से? नहीं, हमें क्या लाभ हो रहा है सरकार से, कुछ भी लाभ ना हो रहा, हर आदमी परेशान है। तो इस बार किसकी सरकार? सरकार तो वो आने वाले टाइम पर बताएंगे क्या किसकी आएगी। तो गांव बराही की जनता का आपने मूड जाना कि 2022 में किसकी सरकार बन सकती है, इस सरकार से कितनी जनता खुश है, कितनी नाखुश है, क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं का निवारण हो सकता है और क्या क्या समस्याओं को याद करके इस बार वोट डाला जाएगा। ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए मीडिया वॉइस। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।